2000 का नोट। एक सेमिनार हो रहा था, उसमें एक वक्ता ने 2000 का नोट हवा में लहराते हुए कहा, कौन कौन इस कड़कते नोट को लेना चाहेगा? तो वहां लगभग सभी ने हाथ खड़े कर दिए। भाई, नोट किसको अच्छे नहीं लगते हैं? फिर उस वक्ता ने उस नोट को मुट्ठी में लेकर मसल दिया। फिर श्रोताओं से पूछा, अब कौन कौन इसको लेना चाहेगा? अभी भी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। अब वक्ता ने उस नोट को पैरों तले कुचल कर मसल कर गंदा कर दिया। फिर श्रोताओं से पूछा, क्या कोई अब भी इस नोट को लेना चाहेगा? फिर भी लगभग सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। देखो दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही कमाल की सीख सीखी है। मैंने इस नोट के साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी इसकी वैल्यू कम नहीं हुई, इसकी कीमत 2000 ही रही। उसी प्रकार जीवन में भी हम बहुत से बार हारते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं, सभी जगह से रिजेक्शन मिलते रहते हैं, तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारी कुछ भी वैल्यू नहीं है, हम किसी काम के नहीं रहे। ऐसा भी सोचने लग जाते हैं कि हम इस धरती पर बोझ बनकर रह गए हैं। तो दोस्तों, बीते कल में या वर्तमान में या फिर भविष्य में हमारे साथ कुछ भी हो जाए, फिर भी एक बात याद रखनी है कि हमारी वैल्यू हमसे कोई नहीं छीन सकता है। हम स्पेशल हैं, हम चाहे जो कर सकते हैं। इसलिए दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ो और दुनिया को ऐसा करके दिखाओ कि दुनिया देखती रह जाए। निराशा वाले विचारों को उखाड़ फेंको, क्योंकि मनुष्य जीवन अमूल्य है। इसे फोकट की बातों से और जटिल मत बनाओ, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो और हर मैदान फतह करते जाओ। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेट कहानियाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इस मनोज वॉइस पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।